बात करेंगे आर्टिफिशियल आई की। तो आर्टिफिशियल आई की अगर बात करते हैं तो ये हमारी आँख, ये पूरी नहीं है, ये अंदर का पर्दा दिख रहा है रेटिना, और ये बाहर का कॉर्निया वाला हिस्सा। बाहर एक और लेयर होती है जो ट्रांसपेरेंट होती है, जिसको अपने कॉर्निया बोलते हैं। काफ़ी सारे लोग हैं जिनकी जन्म से ही आँखें बहुत छोटी होती है, पूरी डेवलप नहीं होती, उनको या तो एनऑप्थैल्मस बोलते हैं या माइक्रोऑप्थैल्मस। चोट लगने से क्या होता है, ये अंदर की तरफ जब छेद हो जाती है तो अंदर का लिक्विड पूरा बाहर निकल जाता है, तो ये पूरी आँख सिकुड़ने लग जाती है, जिसको हम लोग थाइसिकल केस बोलते हैं। कुछ ऐसे केस होते हैं जिनमें कॉर्निया सफ़ेद हो जाती है, अंदर का स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक रहता है, तो उनमें काफ़ी बार कॉर्निया ग्राफ्टिंग करके ये कॉर्निया बदल के एक डोनर कॉर्निया लगाते हैं। अच्छा, आप में से काफ़ी लोग मेरे से एक चीज़ पूछते हैं, क्या मुझे डोनेशन वाली आई नहीं लग सकती है? तो आज मैं वो भ्रम जो है आपका, डोनेशन वाली आई क्या होती है, वो थोड़ा सा समझाना चाहती हूँ। जब कोई व्यक्ति आई डोनेट करता है तो पूरी आँख तो निकाल ली जाती है व्यक्ति में से, पर ये पूरी आँख किसी भी व्यक्ति को नहीं लगाई जाती है। ये अंदर एक लिक्विड होता है जिसका नाम है विट्रियस, और इसके पीछे एक पर्दा होता है जिसका नाम है रेटिना। ये बिल्कुल भी आपको नहीं लगाई जाती। तो जिनके भी आईसाइट लॉस्ट है, कारण अगर मान लीजिए माइक्रोकॉर्निया है या एनऑप्थैल्मस है या माइक्रोऑप्थैल्मस है, या कोई एक्सीडेंट में अंदर का पर्दा डैमेज हुआ है, तो इन व्यक्ति को डोनेशन वाली आई बिल्कुल नहीं लगेगी। अब सवाल उठता है कि उनको तब आँख, जो डोनेशन वाली आँख है, वो लग किसको रही है? बिल्कुल एकदम सही सवाल। जिनकी भी ये कॉर्निया वाली हिस्सा डैमेज हुआ है, मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हुआ, चोट लगा, और सिर्फ इस लेवल में, इस सरफेस तक ही चोट लगी, और ये वाला जो ट्रांसपेरेंट हिस्सा है सिर्फ ये डैमेज हुआ है, इसके थ्रू अंदर नहीं गया, और ना ये डैमेज हुआ, ना भीतर का लेंस डैमेज हुआ है, ना रेटिना डैमेज हुई, और ना ही अंदर में जो लिक्विड है विट्रियस, इसमें कोई प्रॉब्लम आया, सिर्फ उन्हीं को डोनेशन वाली आई लग सकती है। अब उस आई से पूरी आई को रिप्लेस नहीं किया जाता है, डोनर आई से सिर्फ ये कॉर्निया निकाली जाती है। तो ये जब कॉर्निया निकाली जाती है तो व्यक्ति को सिर्फ ये कॉर्निया यहाँ पे सूचरिंग करके लगाई जाती है। तो जानते हैं इससे क्या बात निकल के सामने आती है? एक ब्लाइंड व्यक्ति भी आई डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि ब्लाइंडनेस जो प्रॉब्लम है वो रेटिना की है, अंदर की प्रॉब्लम है, इस पर्दे की। पर डोनेशन क्या हो रहा है? एक्चुअली कॉर्निया। तो मेरी माने तो हर ब्लाइंड व्यक्ति को कम से कम आई डोनेशन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा ये व्यथापत होती है कि नहीं दिखने से क्या होता है। तो हर ब्लाइंड व्यक्ति अगर आई डोनेट करते हैं तो उनकी कॉर्निया तो अच्छी ही होती है, हालांकि वो जीवन भर देख नहीं पाए हैं, पर उनकी आँखों से कोई और व्यक्ति दुनिया को देख पाएगा। है ना मज़ेदार बात? अब आते हैं उसी बात पर, जिनकी पूरी अंदर की स्ट्रक्चर डैमेज हो गया है, या चोट या एक्सीडेंट या किसी बीमारी से, या जन्मगत रूप से जिनकी आंखें नहीं है, उनके लिए क्या विकल्प बचता है, आइए देखते हैं। इसको बोलते हैं प्रोस्थेटिक आई। हालांकि मैं जो आई आपको डेमो के लिए दिखा रही हूँ, ये एक हाथी की आँख है, ह्यूमन आई नहीं है। थोड़ी बड़ी है तो समझाने में आसानी होती है, इसलिए इससे बता रही हूँ। ह्यूमन आई जब बनती है तो आई के अंदर के सॉकेट का पहले मेजरमेंट लिया जाता है, उस मेजरमेंट के अनुसार आर्टिफिशियल आई बनाई जाती है। अब अगर बात करें इस आर्टिफिशियल आई की, तो आप देख पा रहे होंगे कि इसकी शेप बड़ी डिफरेंट है, क्योंकि जैसा व्यक्ति का सॉकेट होता है उसी हिसाब से उसकी आंख बनती है। अब आ जाते हैं वापस इस आंख पे। जब इस आंख को बनाई जाती है तो पूरे मेजरमेंट के हिसाब से बनाई जाती है, दोनों आंख को सिमिलर पेंट भी किया जाता है, देख के मूवमेंट भी होती है इस आंख में, पलके भी झकपकती है, आंसू भी आता है, साइड से भी अगर कोई आपको देखता है तो ये नहीं बता सकता कि आपकी आंख नकली है, क्योंकि इस नेचुरल आंख में जो डेप्थ होता है उसको बनाया जाता है कस्टमाइज्ड आई में। तो किसी भी प्रोस्थेसिस से रिलेटेड आपके कोई भी सवाल है तो हमारे कमेंट बॉक्स पे भी लिख सकते हैं, या दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या वहाँ पर एक मैसेज लिख सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस भी आपको दिखाया जा रहा है। आपसे फिर मिलूंगी किसी और नए विषय पर, तब तक के लिए नमस्कार।